अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वार्म वेलकम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेटा, लास्ट टाइम वी विल स्टडी द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लेक्चर ऑफ द बायोलॉजी एंड दैट लेक्चर रिलेट द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, करेक्टरिस्टिक्स distinguish between living and non-living, and then the different branches of biology like ecology, embryology, physiology, morphology, external morphology, anatomy, paleontology, and so on. और उनके इजी मीनिंग्स जो थे वो हमने स्टडी किए थे। बोर्ड के लिहाज से इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी एक आध आ जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर टू, जो कि कंटिन्यूटी है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की, क्योंकि कल भी हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस जो हैं उनको स्टडी किया था, तो रिमेनिंग जो ब्रांचेस थी वो आज हमने स्टडी करनी थी। लेट्स स्टार्ट टूडे लेक्चर, दैट इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वी नो बेटा, जितनी भी ये ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, अगर आप इनको कंसिडर करें तो इनके जो वर्ड्स हैं वहीं से मोस्टली हम उसकी डेफिनेशन या उसके अंदर हमने क्या पढ़ना है ये हम वहीं से अंदाजा लगा लेते हैं। लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसका मतलब मॉलिक्यूलर के मुतालिक स्टडी करने जा रहे हैं। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल, द ऑर्गेनेल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप देखें कि अगर हम मॉलिक्यूल को याद रखें तो हमें पता चल जाएगा कि इस ब्रांच में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल, ऑर्गेनेली एट मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट इज द एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एंड वंस अगेन एनवायरमेंट इज द कीवर्ड। एनवायरमेंटल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म in relation to their environment. इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का environment के साथ, जो environment है mean जो उसका माहौल है, जो उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स है, उसको स्टडी करते हैं। अब environment जो होती है उसमें there are some interactions। वो interactions कौन से होते हैं? There are interaction between organism and their inorganic and organic environment. Now, inorganic, there are so many different things जो कि inorganic environment में present हैं, like उसमें water है, like air उसमें present है, like different types of inorganic salts present हैं, etc. इसी तरह से organic environment, there are different organic compounds which are surrounding the human being, which are surrounding the living organisms, which are present in the soil, which are present inside the water and inside the environment. Inke sath interaction jo hai, aur ye interaction specially related to the human being, ye hai environmental biology, the study of organism in relation to their environment. The next branch is the microbiology. इसका मतलब है microbes, microorganism के साथ related है ये। तो the study of microorganism. A microorganism क्या होता है? The organism which cannot see with naked eye. उसको देखने के लिए हमें किसी magnify instrument की जरूरत होती है। ये मैग्नीफाइड इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? ये माइक्रोस्कोप हो सकती है, ये मैग्नीफाइंग लेंस हो सकता है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप हो सकती है,
ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो सकती है, और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, तो दे इंक्लूड्स द बैक्टीरिया, दे इंक्लूड वायरसेस, आजकल आपको नजर आ रहा है ये कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर है, फैमिलियर है, प्रोटोजोन्स, माइक्रोस्कोपिक एल्जी एंड द माइक्रोस्कोपिक फंजाई, दीज आर द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी. द फ्रेश वाटर, रनिंग वाटर को आमतौर पे हम फ्रेश वाटर लेते हैं, जैसे वाटर ऑफ रिवर्स है, वाटर ऑफ पॉन्ड्स है, वाटर ऑफ लेक्स है, दैट इज नोन एज फ्रेश वाटर. तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, जैसे कि आपको रावि रिवर्स का आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ऐसे ही सिंगरेला लेक्स जो है स्कर्दू में उसकी आपको व्यूज हैं, सैफल मलूक जो है लेक उसका व्यू आप कर सकते हैं, बहुत मशहूर हैं. तो इनके आप देखिए बेटा, इन जो लेक्स हैं और रिवर्स हैं इनके कुछ फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स होते हैं. पैरामीटर का मतलब है कि इनकी कुछ खसूसियात होती हैं पानी की, और उन्हीं खसूसियात उन्हीं वाटर बॉडीज की प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, हैबिटेट होते हैं, वहां पे रहते हैं. नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारी, दैट इज मैरीन बायोलॉजी. जैसे कि आपको पहले मैंने बताया, फर्स्ट वर्ड इज इम्पोर्टेंट, द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन एंड सी. द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन एंड सी, दैट इज नोन एज मैरीन बायोलॉजी. वंस अगेन, मैरीन बायोलॉजी के भी उसी तरह से फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ होते हैं, क्योंकि तमाम ओशंस और सी ना तो इनकी वाटर की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, ना ही इनका टेम्परेचर एक जैसा होता है. कुछ का टेम्परेचर बिलो जीरो होता है, कुछ का टेम्परेचर हाई होता है, और उसके साथ साथ कुछ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है. हाई ऊपर लेयर जो होती है उस पर टेम्परेचर डिफरेंट होता है, जबकि बॉटम लेयर्स के ऊपर टेम्परेचर डिफरेंट होता है, और फिर इनकी डेप्थ भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, साइज डिफरेंट होता है. तो ये सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके. अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि डू यू नो लार्जेस्ट ओशन एंड सी, और वट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन. इन दोनों का ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आपने सर्च करनी है, ये आपने ढूंढना है. नेक्स्ट इज द पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट. सिंपल, वेरी सिंपल डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ पैरासाइट, क्योंकि पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट से ही वर्ड ड्राइव हुआ है. अब उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, पैरासाइट की हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, पैरासाइट किस तरीके से ट्रांसमिट होता है फ्रॉम ए डिजीज टू हेल्दियस पर्सन, उसकी ट्रांसमिशन किस तरीके से है, फिर उसका लाइफ हिस्ट्री यानी कि लाइफ साइकिल किस तरह से कंप्लीट होता है, और उसके होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप क्या है. ये तमाम चीजें जो हैं ये पैरासाइटोलॉजी में स्टडी की जाती है. द स्टडी ऑफ पैरासाइट, देयर स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, ये पैरासाइटोलॉजी है. इसमें हम पैरासाइट की लाइफ को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज द ह्यूमन बायोलॉजी, बहुत वसी ब्रांच है, क्योंकि ह्यूमन बायोलॉजी में तमाम की तमाम ब्रांचेज आ जाती हैं बायोलॉजी की. और डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, द स्टडी ऑफ मैन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन, द स्टडी ऑफ मैन, लाइफ की स्टडी है ह्यूमन की. और ये लाइफ की स्टडी में क्या क्या चीजें शामिल हैं, दैट इंक्लूड्स देयर फॉर्म, फॉर्म मीन मॉर्फोलॉजी, देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, देयर फंक्शन,
function mean physiology, their histology, tissue, anatomy, internal growth study, morphology, पहले बात कर ली हमने, evolution, ancestral history, genetics, heredity, cell biology, the study of cell, and ecological studies mean environmental biology and ecology. That is the human being. It means all type of branches biology that directly relate to the human being. So simple is that the study of man. Definition kya hai iski? The study of man. Social biology. Once again, human being. The study of social behavior. कि हमारा social behavior कैसा है एक दूसरे के साथ, तल्लक कैसा है, कैसा relationship है, how we behave with the other people. हमारा किस तरह का तल्लक है, हमारा किरदार किस तरह का है, हम society में किस तरीके से एक दूसरे के साथ interactions करते हैं, उसकी study है. Along with that, community life, common life. Mean community के साथ हमारा interaction कैसा है. So that is the branch which deal with the study of social behavior and community life of human being. That is called social biology. The last branch of biology, which is biotechnology. Biotechnology, that is very important branch to this. क्योंकि अब जितनी भी different types of medicine, antibiotics, hormones, proteins, and other genetic research, वो तमाम biotechnology में ही हम use करते हैं. Like use of living organism. आपको यहाँ पे bacteria दिखाया गया है और फिर उसके बाद एक सेल दिखाया गया है जो कि होस्ट से सेल लिया गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि ह्यूमन से लिया गया है, जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं. तो इसके लिए यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम, ये हम सिस्टम यूज करेंगे जब इंसर्ट करेंगे, उसके बाद उस बैक्टीरिया को एक सिस्टम में क्लोन करेंगे और या उसके साथ साथ उसमें प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री. तो हमें चीज़ें अवेलेबल होंगी, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, जीन फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस इंसर्टेड इनटू द प्लांट. इस टेक्नोलॉजी से हमने प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंस कर लिया. ऐसे जीन यूज्ड टू अल्ट बैक्टीरिया फॉर क्लीनिंग अप टॉक्सिक वेस्ट, जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म करने के लिए बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है बाय बायोटेक्नोलॉजी. प्रोटीन डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स इन हार्ट अटैक थ्रोपी, ऐसी प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, ऐसी सब्सटेंस बनाए जाते हैं जो ब्लॉकेज होती है हार्ट में या आर्टरीज में, उसको रिमूव की जा सकता है. और इसी तरह से आप देख रहे हैं ह्यूमन ग्रोथ हारमोन्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं बाय बायोटेक्नोलॉजी. इसलिए ये ब्रांच बहुत अहम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है आजकल के वक्त में. तो ब्रांच की डेफिनेशन क्या है, द बायोटेक्नोलॉजी डील विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम आर प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री. ये दो हमारी बेटा ब्रांचेस कंप्लीट होगी. एक टास्क मैंने आपको दिया था, ओशन और सी में डिफरेंस क्या है वो आपने बताना था मुझे, और इसके साथ साथ आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ. और उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, इसकी आपको समझ आई होगी और इसको आप रिवाइज करेंगे, बार बार सुनेंगे और इसको रिमेम्बर करेंगे
और इसकी जो असाइनमेंट्स हैं और जो पास पेपर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको और जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो आप इंशाल्लाह याद कर लेंगे। तो टुडेस लेक्चर इज ओवर, इंशाल्लाह सी यू अगेन विद थर्ड लेक्चर टुमारो। थैंक यू, और आप लोगों का अल्लाह।